अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी एक रेमेडी लेकर आई हूँ जो आपकी डैंड्रफ को ख़त्म कर देगी, आपके बाल लंबे घने और मजबूत करेगी और इसके साथ साथ आपके बालों को वाइट होने से रोकेगी। इसके लिए जस्ट हमें 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। लेकिन इंग्रेडिएंट बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी डेली वीडियोस मिलती रहें। तो आपने सिर्फ ये 2 चीज़ें आपको चाहिए। एक चाहिए कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है वो हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, हमारी स्कैल्प को नरिश करता है, डैंड्रफ को रिमूव करता है, हेयर फॉल को स्टॉप करता है और बालों को वाइट होने से रोकता है। जितनी भी आप बंगाली वुमन्स देखें उनके बाल इतने खूबसूरत होते हैं, वो अपनी डाइट में ज़्यादा चावल और फिश का इस्तेमाल करती हैं और बालों में वो कोकोनट ऑयल यूज़ करती हैं। कोकोनट ऑयल बहुत हेल्दी होता है बालों के लिए, बालों को शाइनी और सिल्की बनाता है, बालों को स्ट्रेट करता है। इसको लगाने से बालों में बहुत ज़्यादा शाइन आ जाती है, बाल आपके बिल्कुल खूबसूरत लंबे घने हो जाते हैं। और इसमें जब हम दूसरी चीज़ जो ऐड करेंगे वो है लेमन जूस। लेमन जूस हमारी डैंड्रफ को ख़त्म करेगा, इचिंग को बालों में जो होती है वो ख़त्म करेगा, बालों को लंबा घना और मजबूत बनाता है। लेमन जूस भी बालों के लिए बहुत इफेक्टिव है। जब ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो बहुत अच्छा सा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, डैंड्रफ रिमूव होगी, बाल लंबे घने काले और सिल्की हो जाएंगे, बहुत अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अब इसको हम बनाते हैं, कैसे बनाना है इसको। नारियल का सबसे पहले हम ऑयल लेंगे, 2 टेबलस्पून हम नारियल का ऑयल लेंगे, कोकोनट ऑयल। आप अपनी लेंथ के हिसाब से इसकी क्वांटिटी डबल भी कर सकते हैं बालों की, क्योंकि कई लोगों के बाल थिक भी होते हैं और भारी होते हैं और घने लंबे बालों के लिए आप इसकी ज़्यादा मिकदार बढ़ा लें। 2 टेबलस्पून आपने इसमें करना है कोकोनट ऑयल और 1 टेबलस्पून आपने इसमें डालना है लेमन जूस और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है दोनों को। बहुत अच्छा सा ये आपका पेस्ट बन जाएगा। फिर आपने अपने बालों में इसको लगाना है, लगा के 10 मिनट तक आपने मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपने इसको 1 आवर के लिए छोड़ देना है। अगर सारी रात भी लगा रहने दे तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा और सुबह को फिर आप उठ के इसको वॉश कर लें। लेकिन कम अज़ कम कोई भी आप ऑयल लगाते हैं उसको एटलीस्ट 1 आवर लगाएं, उसके अलावा फिर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कम अज़ कम 1 घंटा बालों में लगाने के बाद अपने बाल वॉश कर लें, बहुत अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। बहुत अच्छी ये आपके लिए टिप है। लेकिन इसके साथ साथ अपनी डाइट, अपने डाइट का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अपनी डाइट में डेली एग यूज़ करें, फ्रूट्स और दूध और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि जब तक आप अंदर से हेल्दी नहीं होंगे आपके बाल और आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी। आपने अपनी डाइट में सेसमी सीड्स जो होते हैं, तिल और अलसी जो होती है, उसका भी आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। और अपनी डाइट में फिश ऑयल का भी यूज़ करें, बहुत इफेक्टिव होता है ये बालों के लिए, स्किन के लिए और नेल्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। उसके साथ साथ विटामिन ई का भी इस्तेमाल करें और इस रेमेडी को भी यूज़ करें। अगर आपको आज की ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी शेयर कर दें। Thanks for watching. Allah Hafiz.